हेलो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है, जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। जो सूरज का प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रत्येक प्लैनेट पर पहुंचता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरज की लाइट को प्रत्येक ग्रह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सूरज के सबसे नजदीक प्लैनेट मरकरी है, जो कि सूरज से 5,80,00,000 किलोमीटर दूर स्थित है। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो लाइट की चाल है वो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो 5,80,00,000 किलोमीटर तय करने में प्रकाश को कितना समय लगता है? मरकरी पर लाइट को पहुंचने में 3 मिनट और 13 सेकंड का समय लगता है। हमारा अगले प्लैनेट का नाम है वीनस। वीनस सूर्य से 10,82,00,000 किलोमीटर दूर स्थित है। ये सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है और ये चमकने के साथ साथ ही सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट भी है। यहाँ सूरज की रोशनी को पहुँचने में लगभग 6.5 मिनट का समय लगता है। अगले प्लैनेट की बात करें तो वो है हमारा अपना ग्रह, जो कि अर्थ है। अर्थ सूरज से 14,95,00,000 किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी पर सूरज की लाइट को पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 17 सेकंड का समय लगता है। वहीं बात करें मंगल ग्रह की, तो ये सूरज से 22,80,00,000 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर सूरज की लाइट पहुंचने में 12 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। अगला सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, जो सूरज से 77,80,00,000 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ सूरज के प्रकाश को पहुंचने में 43 मिनट 13 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं सैटर्न सूरज से 142,00,000 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ सूरज की लाइट को पहुंचने में 1 घंटा 19 मिनट का समय लगता है। यूरेनस सूरज से 286,90,00,000 किलोमीटर दूर है और यहाँ लाइट को पहुंचने में 2 घंटे 39 मिनट का टाइम लगता है। सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून है, जो सूरज से 450,00,000 किलोमीटर दूर है और यहाँ सूरज की रोशनी 4 घंटे 10 मिनट में पहुंच पाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।